टेक्नीशियंस और व्यूअर्स जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स जो हमारे वीडियो को डेली देखते हैं या जैसे उनको नोटिफिकेशन आता है वो हमारे वीडियोस को देखते हैं, और नॉन सब्सक्राइबर्स, हेटर्स जो भी हैं, सब्सक्राइब कीजिए और हेट करना करो, कोई इश्यू नहीं। और वेलकम टू माय चैनल सनी स्मार्ट सर्विसेज। मैं सनी आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस नए वीडियो में। इस बार मैं लाया हूँ ATM 30 PV 801। इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाया था रिगार्डिंग पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, ठीक है। ये पेन ड्राइव यहाँ पे USB से हम कैसे सॉफ्टवेयर करते हैं पेन ड्राइव से, फिर भी मेरे को कॉल बहुत सारे मैसेजेस या कॉल आए थे कि रिगार्डिंग हमारे से सॉफ्टवेयर नहीं हुआ, हमारे पास सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या कुछ पेन ड्राइव का इशू या हमारे बोर्ड का इशू पता नहीं, पर हमसे सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने लोगों ने EMMC से उन्होंने बोर्ड ओके किया, बट मैं कुछ इस वीडियो में रिवील कर रहा हूँ, कुछ सीक्रेट है, वीडियो पूरा देखिएगा। हम इस बोर्ड में जो M-Logic के मदर बोर्ड हैं इसमें EMMC करने की जरूरत नहीं रहती है, विदाउट सोल्डर हम इस बोर्ड को ओके कर सकते हैं। तो ये सीक्रेट रिवील होगा इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो, पर इस नॉलेजेबल वीडियो है, अगर आपको नॉलेज लगे, सही लगे तो मैं आपको बोलूंगा पूरा वीडियो देख के आप फिर लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक करो, नॉट एन इश्यू। बट इस बार मैं बताऊंगा M-Logic के मदरबोर्डों में सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं विदाउट एनी प्रोग्रामर, नहीं H की जरूरत नहीं, F की जरूरत नहीं, EMMC होता है ओके, बट हम EMMC नहीं करेंगे, सोल्डर नहीं करेंगे, हम करेंगे इस बोर्ड में सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ दिस वायर। इसको कहते हैं USB टू USB, दोनों साइड से मेल जैक्स हैं और ये एक साइड से मदरबोर्ड में जाता है, दूसरे साइड से मेरे कंप्यूटर में जाएगा। इससे हम बोर्ड को ओके करेंगे विदाउट एनी सोल्डर, विदाउट EMMC, विदाउट पेन ड्राइव, विदाउट सिक्योर सेट, नथिंग, ओनली वायर, एक बोर्ड, एक EXE फाइल, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे किया। और थर्ड थिंग, ये M-Logic के मदरबोर्ड्स हैं, ये इसमें इमेज फाइल डलती है, वो भी दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम वीडियो रहेगा, एक यूट्यूब पे आ रहा है, इस चैनल पे आ रहा है, और किसी भी ट्रेंडिंग में या किसी भी, मुझे पता नहीं वहां दिखाया नहीं दिखाया, मुझे पता नहीं, बट ये फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो प्रोसेस दिखा रहा हूँ पूरी की पूरी। सो फ्रेंड्स, वीडियो में पूरे तरीके से रहिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, कुछ नॉलेजेबल वीडियो सबके लिए आ रहा है। वन मोर थिंग, इन बोर्डों में प्रॉब्लम क्या क्या आती है। फर्स्ट प्रॉब्लम आती है नो पिक्चर, बैकलाइट चालू होती है, ब्लैंक स्क्रीन रहती है, ब्लैक स्क्रीन रहती है, सामने कुछ नहीं दिखता है। इसमें USB से हम प्रोग्रामिंग करके हम ओके कर सकते हैं उसको, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम इसमें आती है क्या कहते हैं उसको, एजिंग मोड और बर्निंग मोड और रेड ब्लू ग्रीन चलता रहता है बारी बारी से, इसमें भी रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें बोर्ड में इश्यू आता है, सेकेंड प्रॉब्लम ये रहता है। थर्ड प्रॉब्लम रहता है ये हैंग हो जाता है, इसमें भी हम इससे ओके कर सकते हैं। और फोर्थ प्रॉब्लम स्टैंड बाय, अगर आपके बोर्ड के वोल्टेज सब ओके हैं, आपकी ये मेन IC और आपका RAM IC और आपके EMMC IC सब ओके है, तो स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो रहा है तो भी हम इससे ओके कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इनमें प्रॉब्लम आती क्यों है, आप देखोगे इसमें छोटी सी सिस्टम IC छोटी सी लगी हुई है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, जितनी ज्यादा आप इसमें चलाएंगे, जितना आप यूज करेंगे इसमें प्रॉब्लम आता है, नॉट अ बिग डील, कॉमन प्रॉब्लम है। ये जो चार प्रॉब्लम्स आते रहते हैं इन बोर्डों में, हम इसको सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव से नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस USB टू USB प्रोग्रामिंग। चलिए हम अपने वीडियो पे चलते हैं, सॉरी चलिए हम अपने पूरे सेटअप पे चलते हैं। मैं पूरा सेटअप कर लूँ, फाइल और वायर, मैं आपको पूरा सेटअप बता दूंगा कैसे करते हैं, और वीडियो में पूरा बने रहिएगा, हम चलिए दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम हमारे सेटअप पे आ चुके हैं, और जैसे कि आप देखेंगे मेरा मदरबोर्ड है ATM 30 PV 801, और इसका जो इंटरनल है KLM 8G, मींस इसका जो इंटरनल है 8GB का है, दो रैम लगी हुई है, मींस इसका रैम है 1GB 8GB इंटरनल, और ये M-Logic का मदरबोर्ड है TP.ATM 30 PV 801, ये M-Logic का मदरबोर्ड है TP ATM 30 PV 818, ये भी M-Logic का मदरबोर्ड है, CV950 वो भी M-Logic का मदरबोर्ड है, CV960 ये भी M-Logic का मदरबोर्ड है, एंड ATM 20 ये भी M-Logic के मदरबोर्ड्स हैं। इन बोर्डों के अंदर इमेज फाइल डलती है, जैसे कि आप मेरे लैपटॉप पे आ जाते हैं, अब ये फाइल देखोगे allupgrade_ALM98G1G.image, ये देखिए इमेज फाइल है,
एमस्टर के बोर्डों के अंदर बिन फाइल डलती है, और वैसे ही एम लॉजिक के मदरबोर्डों के अंदर इमेज फाइल एंड एमस्टर के मदरबोर्डों के अंदर बिन फाइल। ठीक है, तो हम इसको राइट करेंगे इस बोर्ड के अंदर। हम चाहें तो ये सेम टू सेम फाइल हम पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं, बट अगर वो पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर नहीं लिया, अगर आपका बोर्ड स्टैंड बाय पे है, अगर आपका बोर्ड नो डिस्प्ले पे है, तो वो सॉफ्टवेयर नहीं लेता है। तो हमारे पास टेक्निक ये ही रहती है कि हम इसको विद द हेल्प ऑफ दिस वायर यूएसबी टू यूएसबी प्रोग्रामिंग करें। तो मैंने यहाँ पे एक स्लॉट में लगा दिया, दूसरे स्लॉट में लगाना पड़ेगा। बट ये लगाने से पहले मैं अपना बर्निंग टूल दिखा दूँ। ये मेरा बर्निंग टूल है, ये आपको एच प्रोग्रामर के टूल चेन के अंदर ये बर्निंग टूल रहता है। अगर वहाँ पर नहीं है, आपके पास टूल चेन नहीं है, तो आप गूगल सर्च पे यूएसबी बर्निंग टूल लिखेंगे तो आपको ये ईएक्सई मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं अभी इसको फाइल को इसमें राइट करने के लिए सबसे पहले हमें पहले फाइल को क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद इंपोर्ट इमेज। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ लैपटॉप की, आपको साइड में वो क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो पहले मैंने फाइल क्लिक किया, उसके बाद इंपोर्ट इमेज। ठीक है, तो इसके पहले मैं बता दूँ इससे पहले मैं बता दूं, ये जो आप स्टार्ट का बटन देखेंगे ये ब्लर है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसको फाइल पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट इमेज करेंगे। ठीक है, और ये हमारी फाइल आ गई है, इस बोर्ड के लिए ये फाइल है। हम बोर्ड, जैसे मैं फाइल को क्लिक करूँगा, ये स्टार्ट बटन ब्लर है, जो देखिए इट विल टेक सम लॉन्गर, प्लीज़ वेट लिख के आया है। ये देखिए ब्लर हट गया है, ये हमें अभी स्टार्ट क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये आएगा, मैं इसको स्टार्ट को क्लिक कर दिया और वहाँ पे स्टॉप लिख के आ गया। ठीक है, तो ये मैं अपनी वायर अपने यूएसबी स्लॉट में लगा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही लगाया, ये मेरा इंडिकेटर नहीं आया, बट वहाँ पे देखिए ये होने चालू हो गया, हब वन करके आया है, और ये हमारे बोर्ड में प्रोग्रामिंग हो रही थी। ये पहले बोर्ड नो इंडिकेटर पे था, और अभी इसमें प्रोग्रामिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस यूएसबी बर्निंग टूल, विद द हेल्प ऑफ दिस यूएसबी टू यूएसबी वायर। और मैं आपको चालू करके बताऊंगा, हमने इसको ऑन करके पिक्चर आ गई इसके अंदर। ये आप वीडियो फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब देख रहे हैं, और अब वीडियो पूरा देखिएगा, स्टार्ट टू फिनिश देखिएगा। इसके ऊपर और भी वीडियोस फ्यूचर में आएंगे। देखिए ये तकरीबन इसने एक मिनट का टाइम ले रहा है। ये फ्रेंड्स, आप ये लाइव देख रहे हैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हुए, डाउनलोडिंग्स डाउनलोड सिस्टम, सिस्टम इसमें डाउनलोड हो रहा है। ये चीज़ ओनली यूएसबी बर्निंग टूल से ही होती है। इसको ईएमएमसी करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ईएमएमसी से भी राइट कर सकते हैं। ये बर्निंग सक्सेसफुल, इसमें बर्निंग हो चुकी है, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर चढ़ चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस यूएसबी बर्निंग टूल। अब मैं इसका ये स्लॉट निकाल रहा हूँ, निकल गया। उसके बाद मैं इसको एसी सप्लाई दूंगा देखने के लिए कि हमारे बोर्ड की क्या पोजीशन है। जैसे ही हमने इसको सप्लाई दिया, मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया, ये देखिए इंडिकेटर आ गया मेरा बोर्ड का। स्टैंड बाय रिलीज हो गया और आप सामने पिक्चर देख रहे हैं। एंड्रॉइड। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इसका सॉफ्टवेयर होता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल सी वायर। ये आपके वो वायर कंप्यूटर की शॉप पे मिल जाएगी, ये आप चाहें तो ले सकते हैं। सेकंड थिंग, ये अगर आप हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं तो उसमें भी ये वायर रहती है। विद दिस सिंपल वायर, बिना प्रोग्रामर से हमें ये बोर्ड ओके किया। बूट सेटिंग इज एक्टिव, ओके। ये हमारा बोर्ड देखिए, ये रिमोट के साथ में ये चल रहा है। हमने नेक्स्ट किया, इंग्लिश, स्पेनिश, गुजराती, हिंदी, इटालियन, ये सब इसमें लैंग्वेजेस हैं।
तो मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद वायरलेस कनेक्टिविटी हम बाद में करेंगे इसको। अब जब चालू होता है तो किस मोड पे चालू होना चाहिए, मैं AV1 में ही सिलेक्ट करूँगा इसको। ठीक है, ये हमारा बोट फुल्ली वर्किंग चालू हो चुका है। मैं इसका बैक जाके देखता हूँ होम मोड में, हमारा बोर्ड एकदम ओके हो चुका है। मैं मेन्यू मोड में जाके होम मोड में जाऊँगा। ये देखिए इसका लॉन्चर कैसा है, देखते हैं। प्रिटी सिंपल लॉन्चर है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं कौन से एप्लीकेशन इसने कंपनी ने दिए हैं। कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है इसके अंदर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मैं स्पेशल थैंक्स टू संजय चौहान जी को देना चाहता हूँ कि इनके गाइडेंस से मैं ये कर पाया हूँ। और इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, दूसरे ग्रुप्स में शेयर करना है तो कर सकते हैं। एंड शेयर करने का मतलब ये नहीं कि डाउनलोड करके शेयर करना है, आप चाहें तो आप इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए और सभी ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। एंड कुछ नया सीखा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और शेयर शेयर शेयर। ओके सर, गुड बाय फ्रेंड्स, डू टेक केयर, हैप्पी रिपेयरिंग।